हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ प्रीवियस क्लासेस में जो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि आपका नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी वह नंबर जिनको काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर आपका आता है होल नंबर्स। होल नंबर क्या कहलाते हैं? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। दस 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा आर होल नंबर्स। होल नंबर क्या कहलाते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स जीरो के साथ होल नंबर्स कहलाते हैं। यानी अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को जोड़ लिया जाए या फिर जीरो को साथ ले लिया जाए तो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर। क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्लियरली इसे हम कह देंगे कि सभी के सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर कहलाते हैं, बट जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो एक होल नंबर है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि हम सारे के सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं लेकिन सभी के सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि जीरो जो है वो केवल होल नंबर्स में आता है। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। सभी नेचुरल नंबर और फिर जीरो और फिर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यानी कि सारे नेचुरल नंबर फिर आपका जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव में काउंटिंग शुरू करेंगे हम लोग तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। दस -4, -3, -2, -1 फिर 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc एंड सो ऑन। फिर आपका है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? तो फिर माइनस में जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और फिर जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, सभी नेचुरल नंबर जीरो फिर उसमें साथ ले लिया जाए तो सारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को जो है हम होल नंबर कह सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो जो है नेचुरल नंबर में नहीं होता है। इंटीजर्स में हम देख सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर फिर जीरो फिर आपके नेगेटिव्स काउंटिंग नंबर ये सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव में आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर नेगेटिव में आपके माइनस में जो आ जाएंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स और फिर आपका जीरो इंटीजर्स। अब इसके बाद अब हम लोग थोड़ा ट्राई दिस करेंगे एक्सरसाइज आपका। अभी हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर लाइन कैसे बनाया जाता है इंटीजर्स का ये सब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका होगा। अभी आपके पास यहाँ पर ट्राई दीज है, इसे आपको करना है। ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर इज गिवन बिलो। यहाँ पर एक नंबर लाइन दी गई है जिसमें इंटीजर्स को दिखाया गया है। जैसे आपका नीचे -3 और -2 आर मार्क बाई ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। -3 और -2 को जो है अल्फाबेटिकल लेटर ई और एफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विच इंटीजर्स आर मार्क बाई बी डी एच जे एम एंड ओ। तो फिर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से इंटीजर्स बी एच जे एम और ओ को मार्क करेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग करेंगे। जैसे आपका ये -3 है तो -2 फिर इधर क्या जी पे क्या हो जाएगा? -1, एच पे 0, आई पे 1, जे पे 2, के पे 3, एल पे 4, एम पे 5, एन पे 6, ओ पे 7। इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल कर बता रहा हूँ बी वाला। हम बी देखेंगे कि बी पे कौन सा इंटीजर होगा। तो यहाँ पर -2 है, ई पे -3, डी पे -4 होगा, सी पे -5, बी पे -6। यानी बी लेटर जो है -6 इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से आप डी एच जे एम और ओ के लिए कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज 7, -5, -4, 0 और -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। बोल रहा है कि आपको जो है
सेवन को, माइनस फोर को, जीरो को, फिर सेवन को, माइनस फाइव को, फिर फोर को, फिर जीरो को और फिर माइनस फोर को, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आप उसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर आप एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर इन सबको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, अब नीचे वाला ये जो चीज़ें दी गई हैं इसको एक बार रीड कर लेंगे कि जब इंटीजर्स का एडिशन होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। फिर नीचे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं इसको आप रीडिंग कर लेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब ये यहाँ पे ट्राई दिस है, एक यहाँ पे लिखा है वी हैव डन वेरियस पैटर्न विथ नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस, लाइक हमने नंबर्स के साथ बहुत सारे पैटर्न्स को जो है सॉल्व किया है, हल किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ यस कंप्लीट देम। यहाँ पर आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है और इसको जो है आपको कंप्लीट करना है। जैसे सेवन से थ्री, फिर थ्री से माइनस वन, फिर माइनस वन से माइनस फाइव, यानी क्या हो रहा है, हर एक अगला नंबर चार अंक से कम हो रहा है। जैसे सेवन से थ्री हुआ यानी सेवन से थ्री हुआ यानी चार अंक कम हुआ, फिर थ्री से माइनस वन चार अंक कम हुआ, माइनस वन से माइनस फाइव फिर चार अंक कम हुआ, माइनस फाइव से क्या होगा, ये आपको करना है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, माइनस एट, यानी दो दो नंबर क्या हो रहा है, दो दो नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितने नंबर का हो रहा है, पाँच पाँच नंबर का डिफरेंस है। उसी प्रकार इसको भी आप देखिएगा और इसको आप सॉल्व कीजिएगा।